ओ भगवान, अरे यार ये जो हॉस्टल में जो गर्ल्स थे उनकी जो हाँ था। वही उनकी था। देखो गाइस, अभी भी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं। अब देख लो, इतने सारे लड़कियां रहती थी यहाँ पे, कुछ हो जाए। तो गाइज, फाइनली मैं एक लोकेशन पे पहुंचा हूँ यहाँ पे, और ये है काटलीचौरा जगह का नाम है। तो यहाँ पे क्या है कि एक हॉस्टल है जो कि मोस्ट हॉन्टेड कहते हैं, और ये आज से करीबन करीबन 5-6 साल पहले की बात है। यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, यहाँ पे ये है आगे। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये एक नॉर्मल गांव का रास्ता है, और मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ कुछ घर में लाइट जल रही है। मैं भी आपको गूगल टाइमिंग भी बताऊंगा अभी। और जैसे जैसे मैं इस रास्ते पे आ रहा था तो मुझे भी थोड़े थोड़े गूज बम्स आ रहे थे, बट मेरे साथ मेरे एक रिलेटिव भैया हैं और काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने एग्री, पहले तो मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया था कि यहाँ पर मत जाओ, अन टाइम है, बहुत सी बातें सुनी है यहाँ पर। सबसे पहले मैं स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल हुआ था, और वो लड़की किसी बॉयफ्रेंड के प्यार में थी, बट कुछ उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो उस लड़के ने यहाँ पे आके ना उसको मतलब मार दिया था। तो उसके बाद ही मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी, और एक के बाद डेथ होने लगी लड़कियों की। बट अभी क्या है कि उसके बाद भी लोगों को पता नहीं थी वो चीज़, बट जैसे जैसे हॉस्टल तो रन कर रहा था, बट धीरे धीरे उसमें ऐसा होने लगा कि गर्ल्स की मौतें होने लगी। और अभी लोगों का कहना है कि इस हॉस्टल में करीब करीब 50 से 60 आत्माएँ हैं। तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने मना किया, बट मैंने परमिशन भी मुझे नहीं मिली थी, बट यहाँ पे जो मतलब लोकल्स हैं, मेरे भाई उनको जानते, तो परमिशन मिल गई थी और उनको बोल के भी हम लोग आए हैं। बट फिर भी रिस्क तो है ही गाइस। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको गूगल टाइमिंग बताता हूँ, क्योंकि हमेशा कमेंट आते हैं कि आपने टाइम गड़बड़ कर दिया या कुछ प्रॉब्लम कर दिया आपने मोबाइल में। तो सबसे पहले मैं गूगल में ही आपको टाइमिंग बताऊँगा यहाँ पर। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, वॉट इज गूगल टाइमिंग नाउ? तो गाइज, टाइम आ चुका है। The time is 12:51 AM. फोकस हो रहा है इस पे? दिख रहा है टाइम? कैमरे में टाइम दिख रहा है ना? ठीक है सर, ठीक है। तो गाइज देखो, 12:51 AM आ रहा है, और काचार आसाम। तो जैसा कि आसाम के बारे में तो आप लोगों ने सुनी रखा होगा, मोस्ट हॉन्टेड जगहें, जादू टोना वगैरह, आत्माएँ, ये सारी मतलब आसाम में घिरी पड़ी है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम सीधे के सीधे हॉस्टल के रास्ते में चलते हैं, और मुझे डर तो लग रहा है, बट फिर भी मेरे भैया साथ में हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे आज कुछ नया फाइंड करने की। चलिए गाइस। तो गाइस, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, ये गली है, और ये देख सकते हो आप, ये पुराना गेट है, हॉस्टल का ही गेट था ये, बट अभी इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि ना बंद होता है ना ढंग से खुलता है। तो मैं भैया से बोलूँगा मेरे साथ साथ आप चलते रहिए। और गाइस अभी ना ये जो गली है ना, आप देखो यार, मतलब बहुत पुरानी है, और यहाँ पे आते आते पेड़ भी इतने हैं, मतलब आपको लिटरली डर लगेगा। खैर मुझे तो लग ही रहा है, बट भैया साथ में है तो मैं इतना डर नहीं रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मतलब इतना डेंस एरिया है, इतने पेड़ ही पेड़, सच में मतलब है तो डरावनी मतलब फील हो रहा है मेरे को। बाकी अंदर जाते हैं फिर देखते हैं। तो आइए गाइस, मैं चलता हूँ। और ये पूरा लंबा एरिया है, पूरा लंबा है। लास्ट में कुछ ऐसे मकान हैं जिसमें अभी भी लाइट जल रही है, बट हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे ही जाना है। मुझे लगता है कैमरे से इतना दूर दिख नहीं पाएगा। उस गाइस आप देख सकते हैं, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, कौन है ये सब? गाइस अब आवाज सुन सकते हैं यार। ओ भगवान, अरे यार, सियानी इश रे भाई। गाइस आप आवाज सुन, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बहुत डेंजर डेंजर आवाजें शुरू हो चुकी हैं गाइस। मतलब लिटरली यार,
आसाम एरिया ना, मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे ब्लॉग करने के लिए। मैं पहले तो आ चुका हूँ बट मतलब हॉन्टेड ब्लॉग मैं पहली बार कर रहा हूँ और बिल्कुल एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा। तो गाइज डर लग रहा है, लिटरली बहुत डर लग रहा है। तो अभी आगे चलते हैं गाइज। मैंने आपको एरिया दिखा दिया और ये आवाज़ें भी यार इतनी डेंजर आवाज़ें हैं ना, तो मेरे को यार खुद को भी ऐसा फील हो रहा है अगर मैं अकेला होता ना गाइज, मैं सच में मतलब मैं आता नहीं यार यहाँ पे, ठीक है। बट भैया हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। फटाफट से आगे चलते हैं गाइज और मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड भी मतलब इतनी कच्ची पक्की रोड है ना, मतलब इसमें इतना अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत फिसलन है यहाँ पे। भैया मेरी क्वालिटी सही आ रही है ना एकदम फेस, ठीक है। तो ये रोड भी आप, मैं भैया से बोलूँगा थोड़ा रोड भी आप दिखा दीजिए, मतलब पूरा देख लीजिए आप कीचड़ और ये सब ऐसा चल रहा है यहाँ पे। गाइज आवाज़ें है ना अभी भी शांत नहीं हुई हैं। मुझे पता नहीं माइक में वो आवाज़ें कैप्चर हो रही है नहीं हो रही, बट मुझे यहाँ से बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है वो आवाज़ें और मुझे डर लग रहा है। गाइज अगर आपको सामने दिख रहा है तो ये जो चीज़ है ना, अगर आप देख पा रहे हैं तो कैमरे में दिख रहा है क्या भैया उस? गाइज ये जो रास्ता है ना, ये तो आप देख लीजिए पूरा का पूरा मतलब डेंस एरिया है, पूरा पुराने गाँव के जो रास्ते होते हैं इतना दूर से वो घर दिखेगा नहीं। तो हम फटाफट से अंदर चलते हैं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा गाइज थोड़ी सी मुझे आवाज़ स्लो रखनी पड़ेगी क्योंकि इस एरिया में आना मना है और यहाँ के अगर लोगों को पता चलता है तो लिटरली वो लोग डर जाएंगे कि उस हॉस्टल से इतनी आवाज़ें कैसे आ रही है। तो थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा मैं स्लो रखूँगा तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस चीज़ को। तो आ जाइए गाइज मेरे साथ साथ। पीछे जो मकान दिख रहे हैं गाइज आपको, वो पीछे की साइड है। इन लोगों को पता है मतलब हैबिट हो चुकी है अभी, ये सब इतना ध्यान नहीं देते हैं ये लोग, बट यार हॉन्टेड तो हॉन्टेड ही होता है। तो गाइज हम लोग अभी बढ़ चुके हैं, देखना थोड़ा तार वार, पहुँच चुका हूँ गाइज। और ये जो गेट है ना, यही है हॉस्टल का गेट। और मैं भगवान का नाम लेके जाता हूँ गाइज क्योंकि यहाँ पे ना मतलब सब कहते हैं यार कि बहुत डेंजर है और टाइमिंग तो आपने देख ही लिए। और अभी मैं आपको वापस टाइमिंग बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे। लॉक नहीं खुल रहा है, तो मैं फटाफट से, आपने ये देखा था 12:51 उस टाइम, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखो कैमरे में आ रहा है ना, आ रहा है? तो गाइस देख लो मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ। 1 AM रात की 1 बज रही है, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ रिस्क से, ठीक है गाइस। अब मैं इसको रखता हूँ जेब में और अपन फटाफट से गेट खोलते हैं, आई होप कुछ गड़बड़ नहीं हो। भैया यार सच में डर लग रहा है। तो गाइस आप देखो यार डर तो लग रहा है और इतना पुराना गेट है ना, मतलब लिटरली बहुत आवाज़ कर रहा है। आ जाओ। तो गाइज ये जो रास्ता है ना, ये यहाँ पे चल के यहाँ पे ना एक फाटक है, तो उसकी चाबी मैंने भैया को बोली थी, बात करके ले ली है भैया ने और अभी ट्राई करेंगे इसे खोलेंगे। चलिए बहुत सारे जाले लगे हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं ये पुराने ज़माने के, एकदम रस्ट खा चुकी है बिल्कुल जंग, और काफ़ी टाइम से पुराने पड़े हैं ये सारे के सारे। अब देख लो जैसे हॉस्टल बंद हुआ था ना वैसे के वैसे ही अभी तक वैसे ही पड़ा है। और इस हॉस्टल में करीब करीब 50-60 गर्ल्स रहती थी और अब तो ये बिल्कुल ही बंद पड़ा है। तो गाइज अभी ना 1 बजी है, तो मतलब ये टाइम तो आपको पता ही है स्पिरिट्स का टाइम होता है ये। तो खैर अभी चलते हैं हम लोग। तो गाइज आप देख सकते हैं ये वो फाटक है और इसी को मतलब अपन को खोलना है। तो ताला उन्होंने खोल के रख ही दिया था, ताला है नहीं अभी, बाकी एनी टाइम ये लॉक रहता है गाइज। आ जाओ भैया। तो गाइज भगवान का नाम लेके अंदर घुस गया हूँ मैं और अब देखिए एक बार ये सारे के सारे रूम्स जो है ना बंद पड़े हैं। देखो आप बिल्कुल लॉक है, ये सारे के सारे रूम्स बंद पड़े हैं।
और ये पूरा एरिया एक टाइम पे ऐसा होता था कि यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं सारे के सारे ना, मतलब इसमें गर्ल्स रहती थी। अब देखो ये रूम यहाँ से बंद नहीं है, बट यहाँ से बंद ज़रूर है, कुंडी लगी हुई है। कंडीशन देखो आप, सारे के सारे टूटे पड़े और बहुत डेंजर एरिया गाइस। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो गाइस ये देखो, ये वाला रूम भी बंद पड़ा है एकदम। यार मतलब इतनी बुरी कंडीशन है ना, मेरे को ना अब मैं अंदर आ चुका हूँ तो मेरे को अंदर से इतनी गंदी वाली फीलिंग आ रही है ना, और मुझे ना बिल्कुल डर लग रहा है। अब देखो सारे रूम बंद है यार, कहीं आप ये नहीं सोच लो कि मैं किसी के हॉस्टल में आ चुका हूँ, या आप खुद देख लो यार, लॉक है एकदम लॉक, और आप रस्ट देख सकते हो इसमें, बहुत जंग लग चुका है, तो ये बहुत पुराने हॉस्टल है। तो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये भी बंद है, सब बंद है गाइस। तो गाइस अभी मैं आगे बढ़ गया हूँ, और मतलब इस एरिया में मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, आप मेरे फेस पे देख सकते हो पूरा मेरे को पसीना आ रहा है, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गाइस, और मेरे को ना बहुत ज़ोर से डर लग रहा है यार, अचानक से कहीं कुछ हो जाए। अरे भाई ये कौन है यार, ये कौन है, वहाँ पे कौन है वहाँ पे? तो गाइज अभी यहाँ पे तो पूरा रास्ता बंद है, आप लोग देखो ये पुराना टाइप के बाथरूम जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही, ये चीज़ें भी अभी भी वैसी की वैसी पड़ी हैं, बाल्टी और ये सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा है। और ये सारे मतलब वो कुछ आया था यहाँ पे, बट जाएगा कहाँ पे यार, आप देखो ना सब ऐसे ही पड़ा है, ये पुराने सब ऐसे ही पड़े हैं ये सब। और ये देखो ये यहाँ पे भी ग्रिल है, तो यहाँ पे जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब कोई ना कोई साया ज़रूर है यहाँ पे। ये पुराना पीछे पूरा पेड़ ही पेड़ है, मतलब कुछ नहीं है, ऊपर से भी कोई नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर भी आप देखो छत है, ये पूरी छत है, तो वो चीज़ें घूम रही हैं यहाँ पे, मैंने देखा है खुद ने। और अभी मैं आपको अंदर की चीज़ें भी दिखाता हूँ, दीवार दिखा बहुत दरवाजा जाम हो रखा, देखो दीवारें देखो गाइस, दीवारें देखो गाइस पूरी कैसी टूट रखी है, पूरी की पूरी दीवारें, पूरी कंडीशन आप देख लो यार गाइस, इतना पुराना हॉस्टल सब कुछ टूट रखा है गाइस, यहाँ पे क्यों नहीं होगा यार, जो चीज़ें कह रहे हैं वो सच्ची हैं। तो चलो गाइस अभी आगे चलते हैं और देखते हैं, मुझे एक बार मैंने देखा जरूर था, मेरी फट बहुत जोर से रही है, बट अब निकलूँगा बस। तो गाइस अभी आगे चलते हैं, और ये मतलब ये यहाँ पे भैया मैंने अभी देखा था, बट यहाँ पे मेरे को कोई दिखा नहीं गाइस, मेरे को यार गाइस अब देखो ताला लगा हुआ है, बट अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है मेरे को, कौन है अंदर तो गाइस खोलने में तो डर लग रहा है मेरे को, बट आप लोग देखो ये लॉक वगैरह सब लग रखे हैं, बट सच में खोल तो क्या, ट्राई करूँ एक बार, गाइस रूम तो बिल्कुल खाली है, लाइट आ रही है ना, सही दिख रहा है लाइट गाइस, ये डर तो बहुत लग रहा है मुझे गाइस, आप देख लो ये इतना पुराना रूम है ना, ये पूरी की पूरी सीलन पड़ी रखी है यहाँ पे, पूरी पूरी सीलन है, और यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा आवाज़, यहाँ पे आवाज़ आने का तो कुछ सेंस ही नहीं होता है, बट
आई थिंक अंदर भी एक रूम है, तो आई थिंक टॉयलेट है ये शायद। अपने आप ही खुलने लग रहा है, तो अंदर हो सकते थे। मैं अंदर भी गई, तो गाइज वो आवाज़ मे भी शायद पुराने रूम है, तो बट उधर जो मैंने वो चीज़ें देखी थी वो तो यार मैंने खुद ने देखा है यार, एक बार दिखी है मेरे को, करीब करीब एक घंटा हो चुका है अभी शायद। अभी टाइम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल टाइमिंग कैमरा दिख रहा है ना भैया मोबाइल। लास्ट टाइम मैंने आपको गेट पे दिखा था 1:01, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो 1:26 हो चुके गाइज, 1:26, यानी हम लोग आधे घंटे से घूम रहे हैं, और आधे घंटे से घूम रहे हैं भैया। यार गाइस ये तो ब्लर हो रहा है कैमरा मेरा, भैया यार आगे मत जाओ यार, भैया आगे मत जाओ यार। अरे यार हमको अंदर ही जाना पड़ेगा। नहीं है यार, चला गया। धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ। गायब हो गया, गायब हो गया। आओ आओ भैया आ जाओ यार, इसकी बहुत है मामला, आ जाओ आ जाओ। इसको बंद कर देते हैं वापस। गाइस मैंने 2 बार देख लिया आधे घंटे में, वहाँ पे तो शायद नहीं गया, एक बार देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे भी कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। तो गाइस ये एक साया है जो हमें तंग कर रहा है। गाइज आप लोग देख सकते हैं ये ना, मतलब लास्ट टाइम वही जूते पड़े हैं अभी तक। ये जो हॉस्टल में जो गर्ल्स थे उनकी जूते हैं, देखो गाइज अभी भी चीज़ें की वैसी पड़ी हैं। अब देख लो इतने सारे लड़कियां रहती थी यहाँ पे, सबके जूते स्कूल गर्ल्स, देखो। और एक चीज़ और देखो, मेरे स्कूल की कुछ पेंटिंग्स हैं, तो गाइज अभी चलते हैं यार, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, और ये पूरा एरिया मेरे को कवर करना है अभी, तो अभी गड़बड़ हो जाएगी बहुत, सारे का सारा गेट भी बंद पड़ा है। इतनी जोर की कही यार, भैया यार मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, मुझे वहाँ पर उसका साया भी दिख रहा है। गाइज बहुत लगी यार मेरे को इतनी जोर का, भैया अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि कोई है यहाँ पर, जो लोग कहते हैं ना बिल्कुल। तो गाइज अभी फटाफट से बाहर चलेंगे, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। आ जाओ भैया बंद कर देता हूँ। अब गाइज ये देख लो यार कितना डेंस एरिया है बहुत, तो गाइज आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और मुझे ना लिटरली बहुत, मतलब अभी लास्ट टाइम, मतलब मेरे को पूरी वीडियो में ना 3 बार देखी, फर्स्ट टाइम वहाँ पीछे चलते वक्त, और
सेकेंड टाइम उस कमरे में जब सामने हमारा रास्ता ब्लॉक किया गया था, और अभी थर्ड टाइम मतलब धक्का दिया। इसका मतलब वो चाहते नहीं है कि हम लोग यहाँ पे मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करें। और मतलब बिल्कुल रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब वो चाहते नहीं कि हम लोग यहाँ पे कुछ करें, इसलिए हमको धक्का दिया गया। भैया आपको भी धक्का लगा था क्या? हमको भी धक्का लगा है, हमारा कैमरा भी गिर गया पूरा। मेरे को तो गाइस इतना जोर का धक्का दिया ना, और मतलब अब तो मैंने लिटरली ऐसा देखा यार, मतलब कि शायद उल्टी दौड़ रही थी ना वो। हाँ उल्टी दौड़ रही थी, उल्टी दौड़ रही थी ना। तो गाइस यहाँ पे ना सच में मतलब जो लोग कहते हैं ना, आज तो मैंने रियली फील कर लिया इस चीज़ को। तो गाइस अभी मैं बंद कर रहा हूँ, मतलब आज का वीडियो एंड करते मैंने फील कर लिया है, और सच में यहाँ पे है, ये हॉन्टेड हॉस्टल है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आसाम में आया हूँ, तो मतलब मैं इसीलिए आया हूँ, कुछ हॉन्टेड प्लेसेस जो मैं एक्सप्लोर करूँगा मैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।